ओके सो फॉर्म का आंसर मुझे बताया 11,250, मशीन्स का आंसर हमास 22,175। राउंड अप डिफरेंसेस हो तो चलने दें, अगर डिफरेंस बड़ा है तो लेट मी नो, हम उसको ठीक करें। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर कर लेते हैं। ओके 22,175 गुड। असेंबली पे आ जाए, एट जीरो टू फाइव वेरीफाई। ओके हमजा का भी ये आंसर है। नेक्स्ट जनरल का फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड, फेयर। एंड नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, ओके 4,300 मेंटेनेंस का है। ठीक है, और जनरल का जनरल फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड। ओके अच्छा, अब आप लोगों ने इसका जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज रीअपोर्शनमेंट। अब रीअपोर्शनमेंट में यह है कि मेंटेनेंस का 20-50-20-10, तो हमने रीअपोर्शनमेंट में पहले रखा मेंटेनेंस, हमजा सिंह मेंटेनेंस का सही नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन अभी हटाई है। हाँ
ठीक है, एक नजर उसको देख लेते हैं। $11,250 इज फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंट फॉर्मिंग, $22,175 फॉर मशीनिंग, $8,025 फॉर असेंबली, $4,300 फॉर मेंटेनेंस एंड 6750 फॉर मेंटेनेंस एंड जनरल 4,300। चेक करो क्या प्रॉब्लम है इसमें। हमजा जुनेद आपने मुझे आंसर बताया 6,800। ठीक हो गया। चले आई हैव गॉट दिस आंसर। तो ये भी मैं आपसे फिर ग्रुप की स्क्रीन शेयर कर लूंगा, तो जिसने अगर कुछ मिस्टेक्स की तो ठीक कर ले, अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक या कॉन्सेप्ट खराब है तो फिर मुझे बताइएगा, हम उसको ठीक कर देते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ठीक, उसको करना है, छोड़ना उसको नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उस पर मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। Fair enough. So it is 6750 and 4,300. लेकिन जो 6750 मेंटेनेंस का है ना, मैंने इनफेक्ट ऊपर शायद नाम उल्टे रख दिए हैं, मैं यहां से ठीक कर देता हूं उसको। ठीक गया। अच्छा यहां तक हमारी हो गई एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। अब हमें करनी है रीअपोर्शनमेंट। तो मेंटेनेंस जिसका खर्चा है 6750, ये मैं यहां से उठाता हूं और इसका 20-50-20-10 कर दें। 6750 को 20% कितना बन गया, 1,350। ये हमने दे दिया, फिर 50% है, फिर 20 है और फिर 10 है। 6750 का 50% 3,375। अच्छा अब क्या हुआ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा चार्ज हो गया 3% और एक सर्च डिपार्टमेंट को। तो 11,250 प्लस 1,350 इसका खर्चा बन गया 12,600। $22,175 प्लस 3,375 इसका खर्चा बन गया 5,550।
ये बनेगा 9375, ये हो गया, और ये बनेगा 4975। अच्छा, अब हम जनरल डिपार्टमेंट, जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा करते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स को, यह है 20 60 10 10। फोर नाइन सेवन फाइव का 20, ये बना 995। सिक्सटी परसेंट बना 2985। टेन परसेंट बना 497.5 एंड 497.5। अब जनरल डिपार्टमेंट खाली हो गया, लेकिन फिर मसला ये हुआ कि मेंटेनेंस जिसको अभी अभी हमने किया था, फिर उसके पास 498 आ गया, टोटलिंग नहीं करते, टाइम वेस्ट होगा। 498 का फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 20 50 20 10। फोर नाइनटी एट का 20 99.6, राउंड अप करें तो 100 50% 249, 10% इसके पास आ गया। 49.8 को मैं राउंड अप कर देता हूं, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दोबारा खाली, लेकिन जनरल दोबारा भर गया। फिर जनरल डिपार्टमेंट का चार्ज करते हैं, रेशियो क्या है, 20 60 10 10, 50 का 20%, 60 10 10। हम जितना स्पीड करते जाएंगे, हर एक सर्विस डिपार्टमेंट खाली होगा, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएगा। आखिर में जब ये अमाउंट नेग्लिजिबल लेवल तक पहुंच जाता है, पास पांच है, तो हम मेंटेनेंस का खर्चा अपोर्शन करते वक्त एक बेस हटा देते हैं। जिस तरह मेंटेनेंस की रेपोर्शनमेंट का तरीका कार क्या है, 20 50 20। अब हम यहाँ पे 10 को हटा देते हैं, क्योंकि हम जनरल को अब वापस खर्चा नहीं देंगे, क्योंकि एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा अमाउंट आगे बच जाएगा, 0.5 का या कुछ अमाउंट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस 5 को डिवाइड करते हैं 90 के बेस से, करेंगे 20 50 20 से सिर्फ। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा जनरल को इसका खर्चा नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया, 50 डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया, डिवाइडेड बाय 90 किया और मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 11 रुपीज का खर्चा हमने दिया फॉर्मिंग को। ₹28 का खर्चा हमने दिया मशीनिंग को, और फिर 20 है
का खर्चा हमने दे दिया तीसरे डिपार्टमेंट को, और ये हमने पलटा के फिर जनरल को नहीं दिया। अब हमारा मेंटेनेंस सर्विस जो सर्विस डिपार्टमेंट्स थे, मेंटेनेंस एंड जनरल जो सर्विस डिपार्टमेंट्स थे वो खाली हो गए। अब आप टोटल करें कि फॉर्मिंग का खर्चा कितना है, ओके 1.1 हो रहा है, तो उसको हम यहां से 11 कर देते हैं। हम 5 डिवाइडेड बाय 90 होगा। वैसे हम जिस तरह परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते थे, 5 को डिवाइड करते 100 से, मल्टीप्लाई करते 20 60 20 10 से, तो हमारा जो डिवीजन होता वो भी 100 से होता और जो मल्टीप्लाई होता वो भी 100 से होता। अच्छा ओके ओके ओके, सही 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 सही, मैंने एक मिस्टेक किया कि ना, मैंने 50 रख दिया है, सॉरी इट्स नॉट 50 बेसिकली। हाँ, इसको हम कहते हैं 1.1, तो उसको 1 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, करेक्ट, इट इज जस्ट 5, इट इज नॉट 50, करेक्ट, 1 1। तो वैसे हम बेस 100 है, लेकिन हम बेस रखेंगे 90 का और मल्टीप्लाई करते जाएंगे रेस्पेक्टिव जो 20 60 और 10। चले, अब फॉर्मिंग का टोटल कितना बन रहा है सर? 13,706। सही है, 13,706। और सर 9,977। So, okay, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसमें हमने वो एक राजा स्पेसिफिकली हर डिपार्टमेंट करता, उसको हमने नाम दिया अलोकेशन का। वो खर्चा जो फैक्ट्री में होता जनरल, उसको हम जब तमाम डिपार्टमेंट्स पे तकसीम करते तो उसको हमने नाम दिया अपोर्शनमेंट का। फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा, क्योंकि हम रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट में हाथ डालता, तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमने वापस लौटाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खर्चा हम करते हैं एब्जॉर्ब। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली हम वक्त से पहले अपना ओएआर डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम तरीकेकार क्या करते हैं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो ये हमारा आ जाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट।
अच्छा, अब होता क्या है कि हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई होता जाएगा गुजरते वक्त के साथ साथ परफॉर्म होने वाली एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। तो जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई होगा इसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्ब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर जब वक्त गुजर जाता है, महीना, 3 महीने, 6 महीने या साल, जो भी आपका बजट पीरियड है, जब वो खत्म होता है तो हम देखते हैं कि अब हकीकतन हमारा खर्चा आया कितना है। और ये दोनों का डिफरेंस बन जाता है एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब। क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि क्या हमें एब्जॉर्प्शन करनी है या नहीं। मिसाल हम इस क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो इसने टॉपिक क्या लिखा है, द फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ ओवरहेड कॉस्ट हैज बीन मेड फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। जब हम गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं तो इसका मकसद ये हमारा एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है क्योंकि वक्त गुजरा हुआ है। अगर ये कि आने वाले साल के लिए हमारा डेटा ये है तो इन दैट केस हम चौथी स्टेज एब्जॉर्प्शन की तरफ भी जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें OAR नहीं बताया गया, नहीं तो हमने ये जो एक्स निकाले है ना, ये एक्चुअल है, एक्चुअल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। अगर हमें पहले से क्वेश्चन में बताया जाए कि फॉर्मिंग का OAR कितना है, मशीनिंग का OAR कितना है, असेंबली का OAR कितना है, और अगर हमें फॉर्मिंग, मशीन और असेंबली की एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी का पता हो कि कितनी एक्टिविटी ऑपरेट की है, तो हम उन OAR एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करते तो हमारे आ जाता एब्जॉर्ब फिक्स्ड कॉस्ट। उसको हम असेंबली के 9,977 से, मशीन के 28,817 से और फॉर्मिंग के 13,706 से कंपेयर करते, देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में ओवर एब्जॉर्ब हुआ है। अच्छा, पहले इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। फर्दर हमने क्या किया, इस खर्चे को बार बार डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिवली तो सॉल्व करने के लिए हम फॉलो कर सकते हैं रेसिप्रोकल अप्रोच या रेसिप्रोकल मेथड, जो कि बेसिकली का शॉर्टकट है। देखिए सेटअप कैसा है, मुझे ये पता करना है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। और मुझे ये पता करना है कि
कि जनरल डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है। तो मैंने इसको शॉर्ट बना दिया, एम यानी वो खर्चा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को चार्ज होगा, और जी मतलब वो खर्चा जनरल डिपार्टमेंट को चार्ज होगा। आप इसको एक्स और वाई रखें कोई इशू नहीं है, ए और बी रखें कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम का पहला लेटर ले लिया है। अच्छा, अब इक्वेशन में देखें तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कितना खर्चा चार्ज होगा। हम यहां से देख रहे हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा है कितना, 6,750 का। तो हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को खर्चा क्या देंगे, 6,750 जो उसका है, प्लस क्वेश्चन में क्या था कि जनरल डिपार्टमेंट का कितना फीसद मेंटेनेंस को जा रहा है, 10%। तो हम ये बना सकते हैं इक्वेशन के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को खुद का अलोकेट और अपोर्शन किया गया 6,750 रुपए का खर्च आएगा, प्लस 10% ऑफ जनरल डिपार्टमेंट आएगा। और जनरल डिपार्टमेंट को क्या खर्च आएगा, 4,300, प्लस के मेंटेनेंस का 10% खर्चा आएगा। तो हम ये कहेंगे कि मेंटेनेंस को जनरल का 10% और जनरल को 10% जाएगा। क्या है इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ इट्स योर डिपार्टमेंट। मैथ्स आप लोगों को याद है, मुझे इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एम और जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। या फिर आपको जो भी तरीका सिखाया गया है केएमटी में मात की तरफ से, बेशक आई होप यू रिमेंबर दैट, तो आप उस बेसिस पे मुझे बताओ कि इसमें एम की वैल्यू क्या है एंड जी की वैल्यू क्या है। हमजा 7252, हमशा योर आंसर इज चैलेंज्ड मेजॉरिटी। Saying it's 7252. Please confirm. Basit acknowledged 7252 and 5025. Okay. अच्छा, अब होगा क्या, हमने डायरेक्टली ये वैल्यूज निकाल ली। हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर्मिंग
मशीन्स, असेंबली, मेंटेनेंस और जनरल। जहां तक आपने एलोकेशन और अपोर्शनमेंट का काम किया था, तो आप लोगों ने मुझे फिगर्स दी थी फॉर्मिंग की 11,250, 22,175 फॉर मशीन्स, 8,025 फॉर असेंबली, 750 and 4,300. तो इसके बाद हमने स्टार्ट किया था इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने मेंटेनेंस का खर्चा चारों को दिया, फिर जन का खर्चा चारों को दिया, फिर मेंटेनेंस का खर्चा चारों को दिया, फिर जन का खर्चा चारों को दिया। इसको कहां किस हद तक रिपीट करना है डेफिनेट इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर लाखों की फिगर डबल डिजिट में आ जाती है या हजारों की फिगर सिंगल डिजिट में आ जाती है, आप उसको फिर वहां पे रोक दें और फिर आप रिपीट डिस्ट्रीब्यूट ना करें। जिस तरह हमने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 तक यानी सिंगल डिजिट लेके आए थे, उसके बाद हमने दोबारा जन्म नहीं दिया। अच्छा, हम इसमें आपने रेसिप्रोकल मेथड से डायरेक्टली मुझे खर्चे बता दिए हैं। मेंटेनेंस का आपने मुझे खर्चा बताया है 7,252, को डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका रेशियो था 20-60-10-10, राइट? एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7,252 का 20% बना 1,450। मशीनिंग को देंगे इसका 50%, 3,626। और इसको देंगे 10%, 725। जनरल का आपने मुझे आंसर बताया है 5,025, 726, ठीक है। 5,025 का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेजेस क्या है? 20-60-10-10। तो 5,025 20,005, 60, 3,015 और 10,010। एक को 5,053 दे देते हैं, एक को 5,02 दे देते हैं। अदरवाइज दोनों 502.5 बनेगा। तो राउंड अप करने के लिए काम किया। अच्छा, अब आप बताएं कि एक ही स्टेप के बाद
फॉर्मिंग का कितना आ रहा है? 11,250 13,705 मशीन्स 22,175 प्लस 3,626 प्लस 3,015 28,816 असेंबली 8,025 प्लस 1,450 प्लस 503 9,978 मेंटेनेंस 6,750 प्लस में माइनस 7,252 नेगेटिव में प्लस 0,2 पॉजिटिव जीरो जनरल 4,300 प्लस 726 माइनस 5,025 आंसर इज 1 राउंडेड अप 0 तो हमने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल लिए फॉर्मिंग मशीनिंग एंड असेंबली जो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं इनका एक्चुअल खर्चा 13,705 28,816 9,978 है 13,706 28,817 एंड 9,977 तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करें या रेसिप्रोकल करें साइमल्टेनियसली आंसर हमारा सेम आना है डेफिनेटली साइमल्टेनियस करने से हमारा वक्त बचेगा और एक ही स्टेप के अंदर हम या दो स्टेप्स के अंदर हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे अदरवाइज अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें इसको मुतअद्दद बार रिपीट करना पड़ेगा अमाउंट्स को बार बार कैलकुलेट करना अमाउंट्स को बार बार लिखना अमाउंट्स को बार बार टोटल करना मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है हो जाएगा लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि अगर एग्जामिनर वाजे कर देता है कि आपने किस तरीके से करना है तो फिर हमारी मजबूरी होगी हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाता तो फिर इट्स योर डिसीजन आई वुड सजेस्ट कि आप रेसिप्रोकल के थ्रू जाएंगे तो फिर एक कि या दो इसके अंदर आप इस पूरे क्वेश्चन से जान छुड़ा देंगे फिर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है Fair. Let's see this. This of autumn 2017. It says Opal Industries Limited produces various products which pass through processing and finishing departments. Acha. Jin departments say प्रोडक्शन गुजरती है
उन डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन। तो इसमें लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ओपल इंडस्ट्री लिमिटेड रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2017। अच्छा, एक हम इसने बजटेड दिया है, एक इसने हमें एक्चुअल दिया है। अगर बजट करेंगे तो OAR निकलेगा, एक्चुअल करेंगे तो एक्चुअल निकलेगा। OAR को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब निकलेगा। देखते हैं मांगता क्या है। चार डिपार्टमेंट्स है, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस। तो प्रोसेसिंग हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फिनिशिंग हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, लॉजिस्टिक हो गया सर्विस, मेंटेनेंस हो गया सर्विस। बजट का तो उसने दिया ही डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का है। जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बजटेड कॉस्ट दी ही नहीं है। हाँ, एक्चुअल डेटा जो दिया है वो चारों डिपार्टमेंट्स का दिया है। डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड भी दिए हैं और एक्चुअल भी दिए हैं। अच्छा, अगर मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करना चाहूं, और मैं अगर दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग करूं तो इसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल। हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्रोसेसिंग एक फिनिशिंग। OAR निकालने का अधिकार क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। प्रोसेसिंग की बजटेड कॉस्ट कितनी है? $560,000। डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं? 14,000 आवर्स। तो प्रोसेसिंग का OAR कितना बनेगा? 40 rupees per hour। Similarly, finishing की budgeted cost है 320,000। और finishing के budgeted hours हैं 10,000 hours। तो इसका OAR आ गया 32। जब हम एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मकसद है एब्जॉर्ब इनटू
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा अब देखिए प्रोसेसिंग में से गुजरने वाले हर यूनिट के घंटे पर हम 40 रुपए का खर्चा चिपका रहे हैं और एक्चुअली जून महीने में प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स का वर्क हुआ है? 14,350 का। तो ये हो गया एक्चुअल। 40 रुपए का खर्चा आना चाहिए था और 14,350 घंटे लगे हैं। 5,74,000 का आंसर है अमांस का। 5,74,000। दिस इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज वॉट हैव बीन एब्सॉर्ब्ड इनटू द यूनिट्स, इनटू द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एक्चुअल खर्चा इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। सिमिलरली फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओएआर है 32, यानी फिनिशिंग डिपार्टमेंट से कोई भी घंटा गुजारेगा 32 रुपए हम उसको चिपकानेंगे। कोई भी यूनिट फिनिशिंग डिपार्टमेंट से गुजरेगा, फी घंटा 32 रुपए का खर्चा कंपनी को सफर करवाएगा, बियर करवाएगा। और इसमें एक्चुअल लेबर आवर्स कितने चले हैं? 9,800। तो हमने स्टॉक की वैल्यू में कितना एब्जॉर्ब कर दिया होगा? 313,600। ये खर्चा हम अपने प्रोडक्शन यूनिट्स की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। अब हकीकी खर्चा इससे ज्यादा भी आ सकता है और इससे कम भी आ सकता है। अब वो तो जून के आखिर में ही पता चलेगा, जब वक्त गुजर जाएगा तो उसको हम अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कहेंगे। ठीक है, कमिंग बैक क्वेश्चन, ओवरहेड कॉस्ट बजटेड गिवन है, और एक्चुअल गिवन है। डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड गिवन है, एक्चुअल गिवन है। आगे इसने एस्ट्रिक मार्क लगाया है जो कि बजटेड पर लगा हुआ है, यहां उसकी एक्सप्लेनेशन है इंक्लूडिंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। कहता है कि जो 5,60,000 और 3,20,000 रुपए हैं, इसमें हमने री अपोर्शन भी की हुई है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्च, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स का खर्चा भी चार्ज कर दिया है। कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट आर अपोर्शनड एज अंडर लॉजिस्टिक की कॉस्ट का 50% प्रोसेसिंग, 40% फिनिशिंग, तो 10% मेंटेनेंस भरेगा। यहां पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट यानी जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है की सर्विसेज ले रहा है। फिर पलट के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 35-45% और 20% यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है लॉजिस्टिक्स को 20%। तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, इसको रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं और रेसिप्रोक मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, बजटेड को मैं कैसे करूं? बजटेड का तो उसने मुझे पहले ही करके दिया है, बजटेड का तो मुझे पता ही नहीं है लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कितनी और मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है। रिक्वायरमेंट आ गई है, एलोकेट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आपने एस टी 6,700 को और इस 45,000 को रीअपोर्शन करना है प्रोसेसिंग और फिनिशिंग को। जब आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे, रिक्वायरमेंट ए को मुकम्मल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेसिंग के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और फिनिशिंग के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। जब इन दोनों की एक्चुअल पता चल जाएगी और इन दोनों की एब्जॉर्ब्ड हमारे पास मौजूद है, इसके एब्जॉर्ब्ड को हमने कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल ओवरहेड से। बी पार्ट कह रहा है कंप्यूट अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ जून। इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? फेनर्स तो आपको बजट भी गिवन था और एक्चुअल भी गिवन था। कहा उसने ये है कि आप एक्चुअल को रिएक्शन करें और फिर उसको एब्जॉर्ब से कंपेयर करें और बताएं कि अंडर एब्जॉर्प्शन कितनी है, ओवर एब्जॉर्प्शन कितनी है। अटेम्प्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन? आठ मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्रेट, इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे और मैं इसके कुछ फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूं, तो इसके आप प्रैक्टिस थोड़ा खींचे और फिर मुझे रिपोर्ट दें कि आप किस तक इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड यू हैव टू बाय द एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट एनीवन सपोर्ट। आपने ना मुझसे पूछना है ना किसी दोस्त से पूछना है। इनफैक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट ये है कि कोई आपके साथ बैठा हुआ नहीं है। तो आपने इस तरह एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी दूसरे बंदे के ओपिनियन के बगैर भी, देखो सामने वाला मैं भी आपसे एक्सपर्ट ना हो, आपसे आपके साथ बैठा हुआ दोस्त मे भी वो उसकी बात हमेशा हर वक्त सही ना हो, लेकिन हम कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मशवरा जरूर लेते हैं कि भाई तेरा कितना आ रहा है, मेरा तो इतना आ रहा है। तो ये आखिर में पूछ लेना सारा क्वेश्चन, अगर सही हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो रहा होगा और अगर गलत होगा तो आपको सीखने को मिलेगा, नुकसान नहीं है, दोनों सूरतों में नुकसान नहीं है। का गाया करो, ठीक है? यस, समझा। मैं आपको जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूं एंड प्लस ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर डेफिनेटली आप लोगों के पास है कंपाइल्ड पास्ट पेपर्स के अंदर या आपके पास पास्ट पेपर्स मौजूद है, लेकिन उसको आप वेरीफाई बिल्कुल आखिर में करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह फिर अपनी क्लास में मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज़।